नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही जानकारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज ये वीडियो मैं खास करके उन लोगों के लिए लाया हूँ जो बार बार हमें कमेंट करते थे कि ECHS कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से लोग वैलिड हैं। तो दोस्तों इसका दायरा बढ़ाया जा चुका है और दोस्तों इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह की आने वाली जानकारी एवं अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद घंटी के निशान को जरूर दबा लें। तो शुरू करता हूं इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का ये लेटर है। तो दोस्तों ये 12 अप्रैल 2019 को ही जारी हो चुका था। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे ही आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट में दिया हुआ है कि एक बार जो है आपको कंट्रीब्यूशन ECHS मेंबरशिप के लिए करना है और जो इंटाइटलमेंट है वो किस किस के लिए कर दिया गया वो भी इसमें पूरा दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो फैसिलिटी है यह किस किस को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि जो भी विश्व युद्ध दूसरा उसके जो भूतपूर्व सैनिक, उसके बाद जो शॉर्ट सर्विस कमीशन लिए हुए ऑफिसर हैं और उसके बाद इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर तथा जो लोग प्री मैच्योर रिटायर हुए हैं उनके उत्तराधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ सीरियल नंबर ए इसमें आप देख पाएंगे रैंक जो कवरेड हैं वो हैं जो भर्ती हुए हैं हवलदार में आर्मी में। उसके अलावा यानी इनके जो समकक्ष वाले रैंक हैं नेवी और एयरफोर्स में उनके लिए ये लागू है और इसमें जो उन्हें कंट्रीब्यूशन करना है एक बार वो करना है 30,000 रुपये और इनको जो वार्ड अलाटमेंट होगा वो होगा जनरल वार्ड। उसके बाद आता है नेक्स्ट कैटेगरी तो वो है सीरियल नंबर बी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे रैंक में नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और इसके समकक्ष, ये मैं आर्मी का बता रहा हूँ, समकक्ष का मतलब नेवी और एयरफोर्स में जो भी रैंक इसके समकक्ष हैं उनके लिए। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑर्नरी लेफ्टिनेंट और ऑर्नरी कैप्टन हैं उनको भी इसी में शामिल किया गया है। इनके लिए दोस्तों जो एक बार ही कंट्रीब्यूशन देना है वो है 67,000 यानी कि 67,000 रुपये। इनको जो वार्ड मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों सेमी प्राइवेट। उसके बाद अगली कैटेगरी है दोस्तों सभी ऑफिसर्स की, तो इनको एक बार जो कंट्रीब्यूशन करना है वो है 1,20,000 रुपये का और इन्हें प्राइवेट वार्ड अलाटमेंट किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अन्य चीज़ों किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और दोस्तों ये जो लेटर है सभी को सर्कुलेट किया जा चुका है। अगर इस कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति आता है तो वह इस पॉलिसी का लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड करके देख सकता है और इसी आधार पर जा करके ECHS कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आशा करता हूं ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। कृपया अपने सभी दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।